अब आप ऐसे लिखिए, नोट करिए, अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस, अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट वैन ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स वैन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट वैन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ठीक है ना। अब ढंग से समझना, लेट पहले प्रॉब्लम करेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम करेंगे और कंसेप्चुअली देखेंगे उसे, उसके बाद कोई एक आध रूल देख लेंगे, उसे याद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लिखिए जरा प्रॉब्लम। लिखिए, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स, How many different letters are formed How many different letters are formed using the letters using the letters using all letters of word using all letters of word E L O V E E एक ही हटा देते हैं यार, नहीं, इनके पांचों लेटर्स को यूज करते हुए कितने लेटर्स हम बना सकते हैं, उस पे हमें फोकस करना है और समझना है, ठीक है ना। कैसे जाएं, कैसे जाएं, कैसे करें, प्रोडक्ट टूल अप्लाई करते हैं, मतलब अगर ये डिस्टिंक्ट हो दे तो इनके अरेंजमेंट से कितने लेटर्स वर्ड पॉसिबल थे, पांचों डिस्टिंक्ट होते, 1 2 3 4 5, ऑल 5 डिस्टिंक्ट होते तो इनके अरेंजमेंट से कितने लेटर वर्ड मतलब कितने वर्ड्स फॉर्म्ड होते, फैक्टोरियल 5 है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसमें सिमिलर है तब हमें वर्ड्स निकालने, दो से दो डिस्टिंक्ट से कितने वर्ड बनते, फैक्टोरियल 2 है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, दो से डिस्टिंक्ट से फैक्टोरियल 2 बनते, तो मान लो इससे अगर x बन रहे हैं, दो से फैक्टोरियल 2 बनते तो इनटू x कितना आ जाता, फैक्टोरियल 5। मतलब इनको यूज करके प्रोडक्ट रूल से अगर मेरे पास x ले वर्ड बन रहे हैं और ये डिस्टिंक्ट होते तो मेरे पास कितने बनते, फैक्टोरियल 2 होते, और इन दो से बनते कितने हैं, फैक्टोरियल 2, तो ये फैक्टोरियल 5 बनते, लेकिन दो से बनते कितने, फैक्टोरियल 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, समझ गए ना, है ये समझ आया कि नहीं भाई। आप ये मान के चलिए रूल ये है कि एक और देखिए, एक और लिखिए प्रॉब्लम, How many words are possible using all letters of word? How many words are possible using all letters of word? E, K, I, E, T, E. बहुत ध्यान से करना,
भाई ये सब के सब डिस्टिंक्ट होते तो मेरे पास कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 बनता, तो फैक्टोरियल 6 किसके इक्वल होगा? मान लो इससे x बन रहा है, x बन रहा है ना, ये प्रूव करने का तरीका है, ढंग से समझना। मान लो इसमें x बन रहा है और यहां पे तीन ई हैं, तीन अगर डिस्टिंक्ट होते तो कितने बनते, फैक्टोरियल 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। समझ गए कि नहीं? रूल समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है? तो वेरी सिंपल है ये, कोई टफ नहीं है, बहुत ढंग से समझना। मेरे पास लेट क्या है, जो नंबर ऑफ थिंग्स हैं, डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, वो कितनी है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक ही रूल आप देख लो। मान लो पास एन थिंग्स हैं, है ठीक है कि नहीं, P1 थिंग्स एक टाइप की हैं, P2 थिंग्स दूसरे टाइप की हैं, P3 थिंग्स तीसरे टाइप की हैं, और डॉट 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 PM थिंग्स दूसरा तीसरा mth टाइप की हैं। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस PM की वैल्यू कितनी है, n है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये आपस में कैसे हैं, P1 थिंग्स एक टाइप की हैं, लेकिन P1 और P2 कैसे हैं, डिफरेंट है, मतलब P1 और P2 डिफरेंट नहीं है। P1 में जो P1 का नंबर और P2 का नंबर सेम हो सकता है, लेकिन P1 में जो थिंग्स यूज हो रही हैं जितने टाइम, वो P2 में जो थिंग्स यूज हो रही हैं उससे अलग है, समझ गए ना? तो इनको सबको यूज करके प्रोडक्ट टूल से मैं आसानी से निकाल सकता हूं कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। इसे आप याद भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 डॉट 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 फैक्टोरियल PM। बात समझ में आ गई, इसे आप याद भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट टूल से ही आया है, इधर प्रोडक्ट कर देंगे तो इधर आ जाएगा, समझ गए? बात समझ में आ गई ना? है तो ये आसान भी है और इसे याद भी करना चाहिए आपको कि अब मेरे पास ये आ चुका है, फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है अगर एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं तो उनके अरेंजमेंट इन अ लाइन, अगर मेरे पास उनमें चार चीजें एक जैसी हैं और एन माइनस चार चीजें अलग हैं तो उसका तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 4। अगर मेरे पास क्या है कि चार चीजें एक तरह की हैं, दो चीजें अलग तरह की दूसरी तरह की हैं, तो उसके तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। समझ गए ना? तो प्रॉब्लम्स में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए? नोट कर लो, अब आगे नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम, इसे अप्लाई करके ही करना। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इलाहाबाद को जानते हैं आप, इलाहाबाद कैसे जानते हैं, इलाहाबाद को, इलाहाबाद को जानते हैं, इलाहाबाद क्या पॉपुलर है यहां का, कुंभ संगम, इलाहाबाद का संगम बहुत पॉपुलर है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यहां गए हैं कभी आप इलाहाबाद, सरस्वती है कि नहीं है, तो हिडन फॉर्म है, वो पानी के नीचे ही आती है, पानी के नीचे ही चली जाती है, गंगा यमुना है क्या, गंगा यमुना तो दिखाई देती है ऊपर ऊपर है, लेकिन वो हिडन फॉर्म है ऐसा कहते हैं, इलाहाबाद। तो क्या लिखा आपने, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद कितना आएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9, ए कितने हैं, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, बी कितने हैं, नहीं एल कितने हैं, 1 2 और सब एक ही एक है, फैक्टोरियल 2। तो इसके सभी लेटर्स को यूज करके मैं इतने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूं, समझ गए ना? ओके सेकंड लिखिए इसी में, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल
इफ वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, इफ वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, इफ वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, if vowels occupy even places, है शायद सही है, देखते हैं, काफी कॉमन प्रॉब्लम है। वॉवल्स है कितने अपने पास है? चार हैं, वो ए ही हैं सब है, तो कितने ओवरऑल वर्ड कितने? एक दो तीन चार पांच। इवन प्लेसेस का मतलब क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सॉरी एट्थ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमें इन चार प्लेसेस पे क्या अरेंज करना है? पहले पांच पे अरेंज कर लेते हैं। पांच में हमें क्या अरेंज करने हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच में क्या अरेंज करने हैं? बाकी के फाइव वर्ड्स, तो वो कितने से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल फाइव डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू, दो एल है, समझ गए ना। अब मेरे पास चार प्लेस बचे, तो उन चार प्लेस में चार को अरेंज करना है, एक ही तरीका होगा, चारों का चारों सेम है, तो फैक्टोरियल फोर, तो अपॉन फैक्टोरियल फोर। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? ऐसे अरेंजमेंट आ जाएंगे जहां पर ए जो कि इकलौता वॉवेल है वो प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा? इवन या इवन प्लेसेस पे, गॉट इट? इसी में नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बोथ वेल डू नॉट कम टूगेदर, बोथ वेल डू नॉट कम टूगेदर, तो ये तो मुझे आसानी लग रहा है यार। तो बोथ वेल डू नॉट कम टूगेदर, बोथ वेल कम टूगेदर, तो जो नौ वर्ड है वो कितने बन जाएंगे? एट, तो फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल फोर, ये कितना आएगा? ये ऐसे वर्ड बन जाएंगे जिसमें दोनों एल कैसे आते हैं? कम टुगेदर हैं, और टोटल वर्ड्स में से इसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल टू में से ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसे वर्ड आ जाएंगे जिसमें दोनों एल एक साथ नहीं आते, समझ गए? दोनों एल एक साथ नहीं आते, समझ गए? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट लिखिए। ये भी एनसीईआरटी लेवल की और काफी पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, how many words are possible using all the letters of word mathematics, using all the letters of word mathematics, obviously repetition allowed nahi hai, all the letters of word, है? कितने वर्ड हैं ये? कितने हैं?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह फैक्टोरियल 11, ठीक है ना, अपॉन नहीं एम कितने आए, दो आए हैं, ए कितने आए, दो फैक्टोरियल 2, और कुछ है, टी भी दो आए हैं फैक्टोरियल 2, और इट इज द करेक्ट आंसर, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, है? समझ गए ना। इसी का नेक्स्ट पार्ट लिखूं, इन हाउ मेनी ऑफ देम, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवल कम टुगेदर, वॉवल कम टुगेदर, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवल कम टुगेदर, हाँ देखते हैं वॉवल है कितने अपने पास भाई, एक ए, दो तीन और चार, बस तो चार को एक मान लें हम, तो इसमें से चार सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सात, और उनको एक मान लिया तो आठ हो गए, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन, इन चारों को तो भूल जाते हैं, इसके अलावा क्या बचा, फैक्टोरियल 2, एम की वजह से लगाया ये है, और क्या बचा, और क्या डबल आ रहा है, हाँ फैक्टोरियल 2, टी, एम और टी की वजह से आ गया। अब जो चार थे उन पे आ गए हम, तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इंटरनली फैक्टोरियल 4, लेकिन उन चार में भी क्या है, दो ए हैं, तो फैक्टोरियल 2 ये आ जाएगा मुझे लग रहा है, समझ गए कि नहीं। ऑल फोर वॉवल कम टुगेदर के लिए उनको पहले एक माना, तो मेरे पास 11 ऑब्जेक्ट की जगह कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन उनको अरेंज किया मैंने फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ये जो दो फैक्टोरियल आए हैं ये किसकी वजह से आए हैं, एम और टी की वजह से, फिर उनको अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो आ गया, समझ गए ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखूं, इंडिपेंडेंस लिखो वर्ड, इंडिपेंडेंस, इन आई एन डी ई पी ई एन, इंडिपेंडेंस डी ई एन, स्पेलिंग सही तरह से लिखना, सी ई, लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, सच दैट, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, ऑल वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ पी, ऑल वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ पी, सेकेंड लिखिए, इन ऑल वर्ड्स वॉवल ऑलवेज अकर टुगेदर, इन ऑल वर्ड्स वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, फर्स्ट क्या था, स्टार्टिंग विद पी, तो पी को फिक्स कर दिया, पी का तो रोल खत्म हो गया, पी को अगर हम भूल जाएं तो कितने हमारे पास वर्ड हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 11 से अरेंज होंगे, क्या उनमें कोई कॉमन है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, यस, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही है क्या ये, और डी कितनी बार है, एक दो, तो फैक्टोरियल 2 तो कर ही दो, और कुछ रिपीट हो रहा है, ई, एक दो तीन और चार, फैक्टोरियल 4,
और कुछ? एन भी है क्या? एन कितनी बार है? दो और तीन बार है यार। और कुछ? तो यही हमारे पास क्या आ गए, मतलब ऑल वर्ड्स यूजिंग द ऑल लेटर, ऑल वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग विद पी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या था? वॉवल्स टुगेदर, तो वॉवल्स हैं कितने इसमें? वॉवल्स हैं कौन कौन से हैं? आई और ई है, एक और ई, एक और ई, चार तो ये हो गए, और क्या है? एक और ई। तो इन वॉवल के अलावा कितने बचे? 11 में से कितने गए? एक दो तीन चार पांच, पांच गए तो कितने बचे 11 में से? सिक्स है, तो फैक्टोरियल सिक्स से तो वो अरेंज हो गए। उनमें कुछ है कॉमन? वॉवल के अलावा कोई रिपीट हो रहा है? अच्छा 12 हैं क्या टोटल? ओके मैंने 11 देख लिए, फैक्टोरियल 7 हो गए। इनमें कुछ कॉमन है? क्या क्या क्या? अच्छा ऑलवेज टुगेदर है ना, ओके। तो अपन ने क्या कर दिया, फैक्टोरियल 8 हो गई है। वॉवल को एक साथ करके इन चारों को एक बना के, पांचों को एक बना के एक ले लिया और बाकी 7 हो गए। अब मेरे पास क्या है? नहीं ये तो गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को, लेकिन इनमें आ क्या रहा है? क्या फैक्टोरियल 3 और क्या आ रहा है? फैक्टोरियल 2। उनको कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5 और उनमें क्या है? आई कितनी बार है? ई, ई 4 बार है, फैक्टोरियल 4 सही है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है समझ गए ना। ओके नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए चलिए। अगेन लिखो, अगेन, ए जी ए आई एन, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, जनरली सभी बुक्स में दे रखी होती है, ठीक है यार। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन ऑर्डिनरी डिक्शनरी, बी अरेंज्ड एज इन ऑर्डिनरी डिक्शनरी, व्हाट इज द 15th वर्ड इन ऑर्डिनरी डिक्शनरी। डिजिटल टाइप से नहीं है कि कैसे भी आ जाए, मतलब जो डिक्शनरी होती है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड डिक्शनरी, उसके हिसाब से उसमें जो वर्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से अरेंज किया जा रहा है। इससे जो फॉर्मेट बन रहे हैं, इससे जो भी वर्ड बन रहे हैं उनको अरेंज किया जा रहा है। तो 15th वर्ड कौन सा होगा? एक दो तीन चार पांच, इससे टोटल वर्ड बनने वाले होंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन एक दो, दो आए फैक्टोरियल 2, समझ गए ना। अब मुझे 15th वर्ड चाहिए, तो डिक्शनरी का रूल होता है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी होती है, उसमें क्या होता है, हर स्टेज पे क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ए ही रूल है, क्या
पहले क्या ए से स्टार्ट होने वाले ए फिक्स कर दिया, फर्स्ट क्या है ए है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे, मतलब एक दो तीन चार, तो चार मेरे पास एक दो तीन चार, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उतने ही वर्ड बन जाएंगे मेरे के ए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है कि नहीं। तो फैक्टोरियल फोर की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, ये चारों डिफरेंट हैं ए से, फिर एक दो तीन चार, चारों डिफरेंट हैं, दैट्स वाई फैक्टोरियल फोर, एंड इसकी वैल्यू आती है 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 24, ठीक है कि नहीं। अगर मुझे 24th वर्ड से आगे का वर्ड डिक्शनरी में पता करना होता तो फिर मैं आगे जाता, ए के बाद किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालता, जी से, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर एच आई से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से स्टार्ट होने वाले, लेकिन मेरे को जो वर्ड पता करना है वो क्या है, 15th है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत अभी नहीं है, समझ गए ना। तो अब मुझे ये बताइए कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे भाई, इन सब में क्या होगा, पहले ए के बाद ए ही आएगा, तो ए ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, इट इज 6, समझ गए, तो इससे तो ऊपर आ जाएगी कहानी, तो 6 तो हो गए मेरे पास, समझ गए ना। ए तो फिक्स हो चुका है, मतलब ए ए वाला सारे गए कान से, अब ए के बाद क्या आएगा, ए जी आएगा, तो ए जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, ए जी से अगेन 6, तो 12 हो गए, ये भी गए मेरे पास, अब किससे स्टार्ट होंगे, ए आई, बहुत ध्यान से देखना, और डबल ए से कितने बने थे, ए से कितने बने थे 24, तो लेकिन हमें 15th निकालना है, 15th, तो और 24 से पहले ही होगा, तो ए के 6 आए, ए जी के 6 आए, ए आई के कितने आ रहे हैं, 6 आए है, तो ए जी ए आई के सारे बनाने पड़ेंगे, ए आई जी मेरे को कौन सा चाहिए, 12, तो ये हो ही गए, मतलब ए ए और ए जी वाले 12 हो गए, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ए आई के मुझे देखने हैं, तो ए आई के काउंट करने चाहिए, ए आई का पहला कौन सा बनेगा, आई ए, ए के बाद क्या आएगा, जी ए बी सी ए एन, ये बन गया, समझ गए कि नहीं, ए जी एन, तो ये 13वां हो गया, ए आई ए एन जी, ये 14 हो गया, अब क्या होगा, ए आई जी हो जाएगा, अब ए एन, ये होगा 15th, 15th वर्ड ये होगा, समझ गए है, समझ आया थोड़ा सा, ओके गुड, अब 15th निकाल लिया है, 50th निकालिए, फिफ्टीथ वर्ड, फिफ्टी अर्थ निकालिए, ए जी ए आई एन, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, देख लेते हैं, मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी, ए से स्टार्ट होने वाले कितने, फैक्टोरियल फोर मीन्स, ए से स्टार्ट होने वाले कितने, फैक्टोरियल फोर मीन्स 24, ओके, ए के बाद क्या आएगा, जी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 24, कितनी सही बात बताई, 24 बाई फैक्टोरियल 2, ए तो रिपीट हो जाएगा इनमें जो आएगा है, तो ये कितने आ गए मेरे पास, 12,
तो ये आ गए मेरे पास 36। अब जी की से, जी के बाद किससे शुरू होंगे? आई से। ओके, आई से स्टार्ट होने वाले, ए दोबारा से रिपीट हो सकता है। 12 फैक्टोरिया 24/2, दैट इज 12। ओके, है तो कितने आ गए? 48 हो गए। अब तो काउंट कर लेते हैं भाई, आई के बाद किससे स्टार्ट होंगे? एन से। तो एन से फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा? ए ए ए बी सी, ए बी सी डी एफ जी, जी पहले आता है, जी आई नागी, ये कौन सा है? 49th। अब 50th हमें निकालना है, तो एन ए ए आई जी, मुझे लगता है ये करेक्ट होना चाहिए। समझ गए, इट इज द 50th वर्ड है। तो किसी वर्ड को डिक्शनरी में अब हम निकाल सकते हैं, उसकी रैंक निकाल सकते हैं, कैसे और कुछ सीक्वेंस दिया हो तो वो भी निकाल सकते हैं। समझ गए, इसमें कोई डाउट है? तो डिक्शनरी थोड़ा समझ में आया है? ढंग से आ गया क्या? आगे मैं पूरा फोकस डिक्शनरी पे ही करूंगा।